जो जी रहे हैं मौत से डरते हुए, कह दो इनको तो मर गए सांसें भरते हुए, चांद तारे फूल भवे सब पुराने पैमाने हैं, चांद तारे फूल भवे सब पुराने पैमाने हैं, हमें तो एक अरसा हो गया शायरी करते हुए। मैं रोज उसी चौराहे पे जाके खड़ा रह जाता हूँ, ज़हनी तौर पे जजो थोड़ा, मैं रोज उसी चौराहे पे जाके खड़ा रह जाता हूँ, एक दिन दिखी थी वो जहां से गुजरते हुए। जमाने में समझाया लड़कियां सोनी होती, लड़कियां सोना होती है घर की और सोना घर में ही हिफाजत से रखते हैं। जमाने ने समझाया लड़कियां सोना होती है घर की और सोने को घर में हिफाजत से ही रखते हैं। इतना तपे हूं कि अब चाहो तो लोहा पिघला लो, बोली लो तराजों से उतरते हुए। यहाँ हम जो तराजो कैम अब अपना तुम्हें बताओ मतलब छे, तुम्हें बताओ कैसे मान ले कि कोई खुदा है। MFG आसाराम इनके सीख मड़े छे, माणस जेने खुदा बनावे ए खुदा छे। अरे ना पकड़ाया हो तो आपने बता पूछता हो एना पर छे कि तुम्हें बताओ कैसे मान ले कि कोई खुदा है, तुम्हें बताओ कैसे मान ले कि कोई खुदा है। मैंने देखा है यहाँ कई खुदाओं को मरते हुए। इसमें तेरा कोई कसूर नहीं, ये तोरे जमाने में है, तोरे जमाने में मतलब यूं माचे। इसमें तेरा कोई कसूर नहीं, ये तोरे जमाने में है, जिसका गम से कोई वास्ता नहीं वो भी मखाने में है। लहजाए हर्फ भी बदल गए हैं आज, माणस ने गुस्सा आए ना तो आज बोले तेरा गुस्सा नहीं जुड़ो, तेमा बेटा तारी तकलीफ छे तने नहीं कंट्रोल, मसाला वालों शू करे। एना पाछे लहजाए हर्फ भी बदल गए हैं आजकल, आज सबसे बड़ी तारीफ खुद को कमजोर बताने में है। मेरी ना मान खुद निचोड़ के देख ले, मेरी ना मान खुद निचोड़ के देख ले, उतने अफसाने कहीं नहीं है जितने सोखे हुए सिरहाने में है। मोहब्बत तू बेमतलब ही उठ जाया कर, तू बेमतलब ही उठ जाया कर, मैं यूं ही मना लूंगा तुझे, तू बेमतलब ही रुक जाया कर, मैं यूं ही मना लूंगा तुझे, और कहीं ऐसी खुशी है ही नहीं जो तेरे नखरे उठाने में है। देवदास पिक्चर जोई छे, देवदास पिक्चर नहीं जोई, वांधो नहीं, एमा एक सीन आवे छे ना खबर तो, आ कलकत्ता में दुर्गा माता की जगह मूर्ति बने ने तो तवायफ में त्यानी माटी जोई है, त्यांथी शेर उठायो छे। खुदा को भी किसी तवायफ की दहलीज पे लाके खड़ा कर दिया होगा तूने, खुदा को भी किसी तवायफ की दहलीज पे लाके खड़ा कर दिया होगा तूने, वो साजो सामान किसी और मिट्टी में है ही नहीं है मां जो तुझे बनाने में है। पूछी नड़े पड़ी हो लागे मुझे सी समझ जो छोकरी नी लगन थाय छे, छोकरी विदा थाय छे, चंद रिश्ते खेलता बचपना और एक छोटी सी दुनिया, चंद रिश्ते खेलता बचपना और एक छोटी सी दुनिया पीछे छूट जाती है। नील मारु पेन नेम छे नील, चंद रिश्ते खेलता बचपना और एक छोटी सी दुनिया पीछे छूट जाती है, नील फासला बड़ा लंबा होता है जो एक दहलीज से दूसरी दहलीज तक जाने में है। एक अजू गजल ट्राई मारिए, एना पहले एक पोएट्री आप बांधो चलो। बता यूथ छे, यूथ थी रिलेट थसे, चालू करो। उस पड़ाव पे खड़े हैं जहां अपनी उम्र का तकाजा छोटों की आंखों में देखना चाहते हैं, जारे अत्यारे कोई 10 वर्ष नु के 12 वर्ष नु तो कोई नहीं ले रहा जो थारू आयु आयु आयु, पण एज एनी सामे एज आपने अजु पण नानू थयु छे, अने जारे कोई नानू कहे तू बोलीने तो गमतुं नथी। उस पड़ाव पे खड़े हैं जहां अपनी उम्र का तकाजा छोटों की आंखों में देखना चाहते हैं और दूसरी तरफ बेस्ट डेज लिख के बचपन की फोटोज अपलोड हो रहे हैं,
तो बधाई हो दोस्तों, हम बड़े हो गए। बधाई हो दोस्तों। 50 पैसे की ट्रॉफी खुश होने के लिए काफी थी, 50 पैसे की ट्रॉफी खुश होने के लिए काफी थी, जब दोस्ती के बाद झगड़े और झगड़ों के बाद दोस्ती बेमाफी थी। या समझ रहे हो तू? 50 पैसे की ट्रॉफी खुश होने के लिए काफी थी, जब दोस्ती के बाद झगड़े और झगड़ों के बाद दोस्ती बेमाफी थी, जब खुशी बड़ी सस्ती और दुख बड़ा बेमानी था, जब खुशी बड़ी सस्ती और दुख बड़ा बेमानी था, जब इन्हीं बातों का पर्यायवाची नादानी था। अब स्थिति कुछ ऐसी है, अब स्थिति कुछ ऐसी है कि बस ऐसी की तैसी है। अब खोटी जगह ताड़ियों पर से हम लागत होना। अब स्थिति कुछ ऐसी है कि बस ऐसी की तैसी है, कुछ दुश्मनों को गले लगाकर मिल रहे हैं, गमता ना हो तो हाय हेलो कहूं पड़े से। कुछ दुश्मनों को गले लगाकर मिल रहे हैं और कुछ दोस्तों से बात तक नहीं होती। कुछ दुश्मनों को गले लगाकर मिल रहे हैं और कुछ दोस्तों से बात तक नहीं होती। और बताओ, जिनसे बात नहीं होती उन्हें हम दोस्त कह रहे हैं। कुछ दुश्मनों से गले लगाकर मिल रहे हैं, कुछ दोस्तों से बात तक नहीं होती। और बताओ, जिनसे बात नहीं होती उन्हें हम दोस्त कह रहे हैं। रिश्तों का जो मतलब किताबों में पढ़ते थे वो गलत है, अगर ये जान गए हैं तो बताए हो दोस्तों, हम बड़े हो गए। जब माँ से सटकर सोए बिना नींद नहीं आती थी, जब माँ से सटकर सोए बिना नींद नहीं आती थी, जब पड़ोस वाली वो बेफिक्र हमें बुलाने आती थी, जब माँ से सटकर सोए बिना नींद नहीं आती थी, जब पड़ोस वाली वो बेफिक्र हमें बुलाने आती थी, जब माँ की कसम खाने से पहले हजारों बार सोचा जाता था और बिना कुछ सोचे जो जी में आए बोल दिया जाता था, जब माँ की कसम खाने से पहले हजारों बार सोचा जाता था और बिना कुछ सोचे जो जी में आए बोल दिया जाता था। बोलना छोड़ो, आजकल तो मुस्कुराहट को भी सेंटीमीटर्स में नापा जाता है। बोलना छोड़ो, आजकल तो मुस्कुराहट को भी सेंटीमीटर्स में नापा जाता है। अरे मजा है किसी की कि वो सोच कर बोलना और सच बोलने में फर्क बता सकता है। बोलना छोड़ो, आजकल तो मुस्कुराहट को भी सेंटीमीटर्स में नापा जाता है। अरे मजा है किसी की कि कोई सोच कर बोलना और सच बोलने में फर्क बना सकता है। पक्के तो इतने कि परिवार के लिए वक्त मिला भी, पक्के तो इतने कि परिवार के लिए वक्त मिला भी तो हजारों सेल्फी खींच के पूरी दुनिया को बताया जाता है। पक्के तो इतने कि परिवार के लिए वक्त मिला भी तो हजारों सेल्फी खींच के पूरी दुनिया को बताया जाता है। विडम बना ये के नीचे हैशटैग फैमिली टाइम लिखा जाता है। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करते हैं, टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करते हैं। इट्स सो हॉट आउटसाइड के 4K में फीफा खेलते हैं। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करते हैं। इट्स सो हॉट आउटसाइड के 4K में फीफा खेलते हैं। उंगली याद करा जो ईयरफोन्स सिर्फ गाने सुनने के काम नहीं आता, अगर ये जान गए हैं तो बधाई हो दोस्तों, हम बड़े हो गए। भयबंदी ना रीतो बताओ कितना टाइप ने भयबंदी हो हाई बाय फ्रेंड्स, कैजुअल फ्रेंड्स, नॉर्मल फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, बीएफएफ, नौ आयु छ बे बीएई। हाई बाय फ्रेंड्स, नॉर्मल फ्रेंड्स, बेस्ट कैजुअल फ्रेंड्स, नॉर्मल फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, बीएफएफ, बे। एक दोस्ती के कितने तरीके, जब इन तरीकों के बारे में कुछ नहीं जानते थे बे मेरे। हाय बाय फ्रेंड्स, कैजुअल फ्रेंड्स, नॉर्मल फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, बीएफएफ, बे। एक दोस्ती के कितने तरीके, जब इन तरीकों के बारे में कुछ नहीं जानते थे। दोस्त तो वही थे जिनके साथ स्कूल लेट जाते थे और उन्हें घिसे पिटे बहानों पे रोज मार खाते थे। चाइनीज इटालियन मैक्सिकन की जरूरत नहीं थी, चाइनीज इटालियन मैक्सिकन की जरूरत नहीं थी। जायका तो इडली समोसे का होता था, रात को ही सोना सुबह तक उठ जाना, कामकाज सब इंसानों सा होता था। चाइनीज इटालियन मैक्सिकन की जरूरत नहीं थी, जायका तो इडली समोसे का होता था, रात को ही सोना सुबह तक उठ जाना, कामकाज सब इंसानों सा होता था। दोस्ती, प्यार, इजहार, गुस्सा, सबके नुमाइंदगी अब चैट पे की जाती है। दोस्ती, प्यार, इजहार, गुस्सा, अरे बोलना एम चैट में कोई ने हग मोकलियो छे, हग किस जरा मड़ी जनाए फील आयु छे, मड़ी जनाए फील आई छे, कहीं थयू छे, तकलीफ है छे मने भाई, करवू हो तो मतलब हूँ आऊ, वांधो नहीं मने हूँ आऊ। दोस्ती, प्यार, इजहार, गुस्सा, सबकी नुमाइंदगी अब चैट पे की जाती है। वो इशारे से उसको आंख मारना, अचानक से उसके गाल चूम लेना, वो उसको पटाने का चीज मान जाना और भाव खाने के बीच का बैलेंस, ये सारी फीलिंग्स अब सेंट और रिसीव की जाती है। वो इशारे से उसको आंख मारना, अचानक से उसके गाल चूम लेना,
वो उसको पटाने का चीज मान जाना और भाव खाने के बीच का बैलेंस, ये सारी फीलिंग्स अब सेंड और रिसीव की जाती है। वो भी दिन आएगा लोग कहेंगे शादी की खबर स्टेटस पे पढ़ लेना, पेटीएम कर दिया है, जो चाहिए होम डिलीवरी ऑर्डर कर लेना। पापा ने डांटना छोड़ दिया है, अगर इसी बात से खुश हो रहे हैं तो बधाई हो दोस्तों, हम बड़े हो रहे हैं। अब एक पाछू शेरो शायरी गजल वाड़ा, मैखाने पे आओ शायरी में जाए मैखानो ना त्या सुधी मजा नहीं आती, कारण कि मैखाने ने उससे बेहतर साकी ना देखा, मैखाने ने उससे बेहतर साकी ना देखा, मैं जब भी छलकता मुझे लबों से लगा लेती थी वो अडीपतु कर दो वो अडीपतु तो जगह ना ना सुबह ताली पाते चलो। हाँ एक गजल छेली गजल एना पछी एक शेर मोहब्बत पर जो जरूरी छे, तू पिलाए और छलक जाऊं, तू पिलाए और छलक जाऊं मैं इतना भी पूरा नहीं, तू पिलाए और छलक जाऊं मैं इतना भी पूरा नहीं, कोई और पिलाए और बहक जाऊं मैं इतना भी अधूरा नहीं, तू पिलाए और छलक जाऊं मैं इतना भी पूरा नहीं, कोई और पिलाए और बहक जाऊं मैं इतना भी अधूरा नहीं, काहे कि मेरे दुश्मनों से खुशबू आती है मेरे ईमान की, मेरे दुश्मनों से खुशबू आती है मेरे ईमान की, सबकी नजरों में अच्छा रहूं मैं इतना भी बुरा नहीं। मैं अब तुझसे प्यार नहीं करता, मैं अब तुझसे प्यार नहीं करता, ये बात मैं सबसे कहते फिरता हूँ, मैं अब तुझसे प्यार नहीं करता, ये बात सबसे कहते फिरता हूँ, तुझे भी कह दूं तेरी कसम मैं इतना भी झूठा नहीं। मतलब जेटला नू एम टूट्यू होय अने अचानक थी शायरी लखवा लाग्या होय एमना माटे के भाई आटलू बधुं पण ईजी नथी, बाकी बदा शायद बनता हो, कारण कि मोहब्बत में क्या है तुमने तो कलम उठा ली, मोहब्बत में क्या है तुमने तो कलम उठा ली, नील शायर बन जाए तू इतना भी टूटा नहीं। जो आपन डी का तू तुम्हारे कौन बोले के तारीफ आ रहा हूँ आप पहला भाई ने उठे था तुझे पहले भाई कहीं तकलीफ चल मतलब नील भी ताली पड़े नहीं પણ આખો તો એની મોબાઈલ માં છે ને, જો ભાઈ આમાં એવું છે કે જીવો એમ જીવો, મોબાઈલ ની અંદર કશું નથી, આર્ટિફિશિયલ છે, ઇન્ટેલિજન્સ છે પણ આર્ટિફિશિયલ છે, સામે આર્ટિફિશિયલ નથી, સામે આવું કોણ હતું, સામે કોણ હતું, કામનું હતું ભાઈ, કામનું હતું તો ના બતાવ તો વાંધો નહીં, ચલો છેલ્લો શેર મોહબ્બત વાલો કે લીએ, મોહબ્બત વાલો કે લીએ, હું જેમ કહું છું સિરિયસલી લેજો પણ એમ ના લેતા સમજી લેજો બધાને રીતે, કારણ કે કેમ કે જે સાબું છું એમ મોહબ્બત સમજના, એટલે કોઈ મને સમજી કોઈ નહીં બોલી શકે કે મોહબ્બત સમજી લીધી ને નહીં સમજાય, એ જ છે બસ, ઇતના સા ફલસફા હૈ ઇશ્ક કા, કોઈ જ્યાદા મુશક્કત નહીં, जो जिस आपे दीदी में बस इतना सा फलसफा है इश्क का, कोई ज्यादा मुशक्कत नहीं, जो समझ आ जाए वो मोहब्बत नहीं, जो ना समझ आए वो करने की जरूरत नहीं।